अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं उबैदुर रहमान और आप देख रहे हैं चैनल तावीज 786। मुहर्रमुल हराम के पूरे महीने किसी भी दिन ये अमर कर लें, इंशाल्लाह तबारक ताला जिंदगी भर आपके पास दौलत की कोई कमी नहीं रहेगी। आप दौलत से मालामाल हो जाएंगे, आप मालदार हो जाएंगे, आपके पास इतनी दौलत आएगी जिसे आप संभालते संभालते थक जाएंगे लेकिन दौलत संभाल नहीं पाएंगे। ये अमल बिस्मिल्लाह का है और पूरी दुनिया के मुसलमानों को बिस्मिल्लाह की बरकतों के बारे में पता है। शायद ही कोई ऐसा इंसान मिले जिसे इस अमल पर यकीन न हो, और जो भी शख्स बिस्मिल्लाह का इनकार करे उसने अल्लाह के कलाम का इनकार किया। इसलिए अगर आपको इस अमल को करना है तो करें, ना करना हो तो ना करें, लेकिन अल्लाह के वास्ते इस अमल का इनकार ना करें। ये अमल जो भी कर लेता है अल्लाह तबारक व ताला उसके घर में जिंदगी भर बरकत ही बरकत देता रहता है। मुहर्रम में ये काम जरूर करें, आपके हर काम में खूब खैर व बरकत होगी। मुसीबत से, परेशानी से, बीमारी से इंशाल्लाह निजात मिल जाएगी। ये अमल आप करें, अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को इस अमल के बारे में बताएं, खूब खूब इस वीडियो को शेयर करें। वक्त बहुत ही कम है, जितनी तेजी से आप इस वीडियो को शेयर कर सके शेयर करें और इस वीडियो को लाइक भी करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस कर दें जो कि बिल्कुल फ्री है। इससे ये आपको फायदा होगा कि मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन इंशाल्लाह आपको सबसे पहले मिल जाया करेगी। अमल आपको इस तरीके से करना है। बुजुर्गाने दीन ने ये अमल इस तरीके से बताया है कि जो भी बिस्मिल्लाह को मुहर्रम में किसी भी दिन एक कागज पर 113 मरतबा लिखकर या किसी से लिखवा कर मोम जामिन करके अपने पास रखे या फिर गले में पहन ले तो इंशाल्लाह इस अमल से उम्र भर नफा पहुंचता रहेगा। जब तक वो इंसान इस दुनिया में जिंदा रहेगा, एक बात का खास ख्याल रखें कि इस नक्श को अपने या किसी दूसरे के हाथ से ही लिखवाया जाए। फोटोकॉपी कॉपी करवाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि लिखने वाला अल्लाह का बंदा जब लिखेगा तो उसी तादाद में बिस्मिल्लाह पढ़ता भी जाएगा और लिखता भी जाएगा। इसलिए इसे लिखने का ही हुक्म बुजुर्गाने दीन ने दिया है। अल्लाह तबारक ताला आप सबके कारोबार में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, दुआ की दरखास्त के साथ।